खबर रीवा जिले से है, जहां मोटर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के पदाधिकारियों द्वारा कमिश्नर कार्यालय में पहुंचकर एक ज्ञापन सौंपा गया है। मीडिया को जानकारी देते हुए पदाधिकारियों ने बताया कि रीवा जिले में हो रही गिट्टी का अवैध परिवहन पर रोक लगाए जाने को लेकर हम लोगों ने कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा है। बताया गया है कि जिले के बैरियर में राजनीतिक दबाव बनाकर गाड़ियों का परिवहन बिना परमिट फिटनेस के संचालित कराने का खेल चल रहा है, जिसे रोकने पर विवाद की स्थिति क्षेत्रीय लोगों के गुंडों द्वारा किया जाता है, जिस पर कमिश्नर को ज्ञापन सौंपकर अवगत करवाया गया है। आइए दिखाते हैं रीवा मोटर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने मीडिया को क्या जानकारी दी है। इस मामले में आज हम लोग माननीय रीवा कमिश्नर महोदय को एक घटना हमारे सुहागी बैरियल में घटी है, उसके बारे में हमने उनको ज्ञापन के माध्यम से बताया कि जो भी वहाँ पर अपने रीवा ज़िले के जो क्षेत्रीय लोग हैं, जहाँ पे बैरियर लगे हुए हैं, वहाँ के जो मोटर मालिक हैं गिट्टी का अवैध रूप से परिवहन करते हैं, और अगर कर्मचारी उन पर कोई उनके कागज़ या किसी प्रकार का कोई वो बनाना बताते हैं तो उनके ऊपर वो दबाव बनाने के लिए वहाँ पर पहुँचे और काफ़ी संख्या पे लोगों को बुलाया और जो भी बैरियर में कर्मचारी थे उनको भगा दिया गया। उसके बाद भी वहाँ पे उनके दबाव के कारण, चूंकि अब ये राजनीतिक दबाव था, वहाँ पे जो श्यामलाल द्विवेदी जी विधायक तेउथर हैं उनको बुलाकर उन लोगों ने उनके ऊपर हमला करवाया, जिससे कर्मचारी डर के वहाँ से भाग गए और उसके बाद उनको धरने में बैठा दिया गया विधायक जी को, जबकि विधायक जी को इस तरह की कोई जानकारी दी नहीं गई थी कि ये किस उसके लिए हम लोग यहाँ पे मतलब आरटीओ बैरियल को घेर रहे हैं। जब बाद में आरटीओ बैरियल में उनको वहाँ के जो पुलिस विभाग के अधिकारी थे वो पहुँचे, उन्होंने जानकारी दी माननीय विधायक जी को कि ये जो आप कर रहे हैं गलत है, यहाँ गिट्टी की जो परिवहन हो रहा है अवैध रूप से ओवरलोड है और परमिट और फिटनेस के बिना गाड़ियाँ यहाँ चल रही हैं, इसलिए इनकी जाँच होती है और उसका दबाव बना के क्षेत्रीय लोग मतलब बैरियल में अवैध रूप से दबाव बनाते हैं। किसकी गलती मान रहे हैं? मैं तो पूरी जो क्षेत्रीय लोग हैं उनकी गलती मान रहा हूं, क्योंकि जो गाड़ियां वो तो नियम है शासन का कि गाड़ियां, इसीलिए बैरियर लगाया गया है कि जो गाड़ियां अवैध रूप से जाएं उन्हें रोका जाए, उनके ऊपर कार्रवाई की जाए, उनके ऊपर चलानी कार्रवाई की जाए। जो वैध अनिल तिवारी, रीवा मोटर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन संरक्षक, रीवा मोटर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन रीवा। ये सुहागी बैरियर में जितने चाक घाट और प्लस रीवा के जो पुराने यूनियन के पदाधिकारी हैं वो सब क्या है कि यूपी गाड़ियों से लिस्ट लेते हैं और उनका पैसा वहां न देके खुद खाते हैं और इसके बाद दबाव बना के वो गाड़ियों को फ्री में चलाएं, जब नहीं वो चलाते हैं मानते हैं तो अवैध रूप से झगड़ा करते हैं और गाड़ियों को निकलवाते हैं कर्मचारियों को। मेन वहाँ पैसा ना लगे, कागज माने पाथर नहीं है, जैसे वह गाड़ी निकल जाए, यह हिसाब से तो हाल ही में जो घटना हुई है वो उसी का। हाँ, तो उसी संदर्भ में उनको पूरी जानकारी नहीं दिए और विधायक को लेके आ गए, कर्मचारी सब बाहर के हैं, गलत तरीके से। हाँ, गलत तरीके से दबाव बनाया जा रहा कि ऐसे लोगों को बताई विधायक भी संरक्षण। हाँ, ऐसे लोगों को विधायक संरक्षण दे रहे हैं क्योंकि पूरी जानकारी वो नहीं ले रहे, पूरी जानकारी लेते तो शायद है कि न जाते। अभी ज्ञापन दिए हैं? हाँ, अभी हम कमिश्नर साहब को ज्ञापन दिए हैं, उचित कार्रवाई हो उन लोगों के ऊपर, हो गया उनके ऊपर जाँच की जाए, जो जाँच में सत्य निकले वही कार्रवाई की। मैं गोपाल तिवारी। हम लोग ज्ञापन इसलिए देने आए हैं, वहाँ पे सुहागी बैरियर में 7 तारीख को अवैध घटना हुई है और नाजायज गलत काम हुआ है वहां पे कर्मचारियों के ऊपर दबाव बना के लिस्ट चलाने चाहते हैं, वहां के कुछ मोटर मालिक लिस्ट चलाने चाहते हैं, ओवरलोड गिट्टी चलाना चाहते हैं, गाड़ी चलाना चाहते हैं और बिना फिटनेस के गाड़ी वहां चलाना चाहते हैं, तो वहां पे गाड़ियों की जाँच होती है, तो जाँच करने के कारण वहां आए दिन लड़ाई झगड़ा हो रहा है, आए दिन वहां मारपीट करते हैं, आए दिन वहां खिलवाड़ कर रहे हैं। अब वो लोग क्या दबाव में जितने कर्मचारी हैं सदमे में है, वहां पूरी ओवरलोड गाड़ी गिट्टी ओवरलोड चल रही है, बिना परमिट फिरने चलने कोई देखने करने वाला नहीं है, क्योंकि इतने सदमे में वो करने के लिए विधायक को लेके आ गए, जवाब में विधायक को संज्ञान में, विधायक को पूरी जानकारी नहीं दिए, संज्ञान में लेते हुए उनको ले आए, उनको पूरी जानकारी न देते हुए उनको भी बेचारे को वो कर दिया। सुहागी आरटीओ बैरियर, कौन से विधायक वहाँ पे आ गए थे? ये श्यामलाल द्विवेदी, चौथे विधायक वहाँ पे आ गए थे। हाँ,